और राइट मिस्टर लामा, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, दीपक, 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 दीपक हाँ दीपक, बताएं, मैं अवर्जुन बोल रहा हूँ कनाडा से, और आपका कोई सवाल है क्या, बताएं क्या सवाल है आपका मेरे लिए। हाँ सर, सवाल वही है जो मुझे ऑफर लेटर आया हुआ है। तो ऑफर लेटर बोले तो मेरा दोस्त लोग कोई ऐसा ऑफर लेटर में मिला बोलता ओके okay. है। तो जो अभी रॉयल स्टडी सर्विस वो मोहाली में है सर, पंजाब में, ओके okay. तो वहाँ पे हमने जॉब अप्लाई किए थे। ओके okay. मेरा दोस्त लोग भी है, वो लोग ऑफिस में जाके दोस्त लोग उधर जाके देखा और वो है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है और वहाँ लोग मतलब वही जानना चाहता हूँ, वो फेक है या रियली जो सर ये डॉक्यूमेंट थ्रू से मैं अब। मैं बता देता हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ ये जो जॉब आपको मिला है आईपीएस इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सिस्टम से, ये यही ना, हाँ जी सर, दीपक तमांग, यस दीपक तमांग, और फूड पैकिंग इंडस्ट्री आपको जो भी कुछ है ये दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ ये जो है, ये जॉब ऑफर जो है ये नकली है भाई, समझ गए आप, ये जो जॉब जी ऑफर जो आपने भेजा है ना ये नकली है, इसमें कुछ नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि जो कौन है चंडीगढ़ में, कौन ऑफिस है, क्या नाम है उनका, वो बताओ पहले। हाँ सर, उसमें है ये रॉयल स्टडी सर्विस, सेको 10 1031, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 770, मोहाली, अपोजिट विवेक हाई स्कूल, मोहाली, पंजाब, इंडिया। वो उनका एड्रेस है। ये भाई मैंने कई वीडियो में मैंने बताया, मैं दोबारा दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को, ये तो ना कोई लॉयर है, ना कोई आईसीसी आरसी कंसल्टेंट है, और ना कोई क्यूबेक के कोई लाइसेंस नोटरी है, तो इनके पास कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है जॉब ऑफर करने का, नंबर वन। दूसरा, पैकेजिंग की जॉब्स ये ऑफर कर रहे हैं चंडीगढ़ से, और पैकेजिंग की जॉब्स के लिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कोई कोई स्किल जॉब तो है नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं लोग काम करने के लिए, तो उनका ऐसे जॉब देना वैसे ही एक एक शक पैदा करता है कि भाई कनाडा की कंपनी जो पैकेजिंग जॉब के लिए चंडीगढ़ क्यों जाएगी, पहली बात, यहाँ पर लोग अवेलेबल नहीं है, और जाएंगे तो यहीं यहीं पर ही काफ़ी सारे, यहाँ पता है आपको स्टूडेंट्स बहुत है जिनको पार्ट टाइम जॉब चाहिए होता है, जिनके पास वर्क परमिट भी है, उनको कोई और खर्चा भी नहीं करना वर्क परमिट के लिए, तो उन्हें क्यों नहीं हायर करेंगे, ज़रूरी है वो चंडीगढ़ जाएंगे, तो वो उससे इट डज़ नॉट मेक सेंस, तो ये सब नकली है। आप बताएं आप मेरे लिए क्या सेवा है, वो क्या कह रहे हैं आपसे, पैसे पे करो या क्या करें। हाँ एक्चुअली सर, जब हमने उनसे बात किए थे तो हमारे से हमारे सीवी डॉक्यूमेंट वगैरह वो लोग मांग लिए थे, तो हमने सेंड किए, तो उन्होंने बताया कि ओके तुम लोग का अभी हम लोग प्रोसेस चालू करेंगे, फर्स्ट तुम लोग को 10,000 पे करना है बोल के बोला। तो हमने ठीक है बोल के हम थोड़ा विश्वास में हमको उनको 10,000 रुपीज़ पे कर दिए हुए गए। जब तक तुम अच्छा लोग 10,000 पे नहीं करोगे तब तक प्रोसेस तो हम लोग चालू नहीं करेंगे, पहले तुमको पे करना पड़ेगा 10,000, उसके बाद धीरे जैसे प्रोसेस चालू हो जाएगा तो तुमको धीरे धीरे से अभी 20,000 फिर बाद में पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो हम लोग जब 20,000 पे करने के लिए गए तो हमने मेरा दोस्त लोग है अपनी, मैं तो अभी कुवैत में हूँ फिलहाल, तो दोस्त लोग उधर आसाम पे है, वो लोग गए वहाँ पे ऑफिस में, ऑफिस में जाके देखे तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा रिकवरी क्या क्या लिया, वो लोग बोला कि सही है बोल के बोला, वहाँ पूछताछ भी किया, बोलते हैं यहाँ सही है, आदमी आते जाते रहते हैं ऐसा बोल के, 5 साल से पुराने है ये कंपनी, 5 साल से चल रहा है ऐसा बोल के बोला बोलते। तो वो लोग भी अभी फ्रेशर है सर, ऐसा हम लोग मैं भी फ्रेशर ही हूँ ऐसा गल्फ के आप लिए। मेरे को ये बताएं, चाहे वो 5 साल पुरानी कंपनी है, 50 25 साल पुरानी कंपनी है, उन्होंने ऐसे वर्क वीजा किसी के लगाए हैं इस पैकिंग जॉब में पहले? ऐसा एस पैकिंग में नहीं, दूसरे बंदे लोग गए हैं बोलते सर उधर कनाडा पे, वहाँ उसके थ्रू से गया बोलते हैं। तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, जी सर, उन्हें फोन करके उन्हें मंगाओ कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मंगाओ कि आपने कितने लोगों को वर्क वीजा में कनाडा में भेजा है पिछले महीने या 6 महीने तक, जितने भी उनके भेजा है उनके आप मेरे को नाम बता दो या फोन नंबर बता दो, हम लोग फोन करके पता कर लेंगे, क्या क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, जी सर वो भी अगर सही है। अगर अगर वो दुकान पुरानी है, अगर उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि जॉब हम दे रहे हैं उसका इतना पैसे में जॉब मिल जाएगी, तो उनसे सिर्फ आप इतना कह दो कि भाई आपने पिछले 6 महीने में, या चलो 6 महीने का मैं कह रहा हूँ 1 साल में, कितने आदमियों को वर्क परमिट पे आपने कनाडा भेजा है,
आप सबके नाम नहीं, एक का नाम बता दो बस, सिर्फ ओनली वन, एक का नाम दे दो हमें और उसको हम यहाँ कनाडा में पता कर लेंगे वो आदमी कहाँ बैठा है, क्या काम कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा बात क्लियर हो जाएगी। इतना 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 तो इतने तक पूछने का हक रखते हैं हम कि नहीं। हाँ सर वो बराबर। तो ये तो आप उनसे पूछ लो। जी जो सर अभी डॉक्यूमेंट मैंने भेजे हैं वो सब सारे के सारे फेक हैं। ये सारे फेक है, ये जो आपने जो भेजा है एग्जीक्यूटिव समरी, एक आईपीएस इंटीग्रेटेड पैकिंग, ये तो जॉब जो लेटर ही है वो ही फ्रॉड है, ये कनाडा की कंपनी नहीं है पहली बात। और इसमें काफी सारे गलत जो शब्द यूज करे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी है, काफी कुछ है। और तनख्वाह का जो लिखा हुआ है ये सब, ये हमारे लिखने का कैनेडियन स्टाइल है ही नहीं, हम तो इस तरह से लिखते भी नहीं है। और आई मीन आई नो दिस इज ऑल फेक। चोरों को तो मैं सिर्फ इतना ही उनको मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको चोरी करनी है तो चोरी करने के लिए सीख लो पहले के किस तरह से हमें लेटर बनाना है। और मैं देखता हूँ आपने क्या उनसे एक इमेज भेजी, ये आपने वर्क स्क्रीन भेजी, ये क्या है भाई, देखता हूँ जरा। अकोमोडेशन और फूड मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनुअल लीव मिलेगा, और रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आर कॉल इन रैड या समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ, प्रोबेशन पीरियड, ये सब नकली है भाई, 100% नकली है। इसमें तो मेरे को कोई शक ही नहीं है कि नकली है, नहीं है, इट इज़ नकली। तो बाकी आपकी मर्जी है यार, जो आपको करना है आप कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, और कोई मेरे लिए कोई सवाल है? सर वही जानकारी जानना चाहता था कि ये सही है या फेक है, बस उसकी थोड़ा हम लोग कॉन्फ्यूज थे हम लोग, क्योंकि अभी हम 3 महीना हो चुके हैं उनको अप्लाई करने वाला, पैसा भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा वाला कुछ है यहाँ ये हो रहा है बोल के। पैसा हाँ जी पैसा आपका फंस गया, मेरे ख्याल है कि पैसा गया, इतना पैसा वापस आ जाए तो अच्छी बात है, 10,000 में से कुछ ना कुछ वापस आ जाए। जो पैसा लेना देना है अपना लेके अपना थोड़ा सा एक साइड में हो। बाकी मैंने आपको एक सवाल बता दिया है, आप सवाल जाके उनसे पूछ लें, थोड़ा सा वहीं का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई आपकी कंपनी है बहुत पुरानी है, मान गए, और आपके पास लोग आ जा रहे हैं, हम और किसी चीज़ की बात की हम फिक्र नहीं कर रहे हैं कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, वी डोंट केयर। प्लीज़ टेल अस कि कोई क्लाइंट पिछले साल में इस तरह के वर्क परमिट में कनाडा में गया है, अगर गया है तो महानुभाव उसका कोई नंबर या फ़ोन नंबर या नाम पता कुछ दे दें, जिसको हम यहाँ डायल करके उससे पूछ लें कि भाई तुम वही हो जो वहाँ से आए हो कि कोई और हो, बस। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई पूछे कि आपके कितने क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे बोलूँगा आपको कितने क्लाइंट्स के नंबर चाहिए। पहली बात तो मेरे क्लाइंट्स के जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो लिंक्डइन पे ऑलरेडी हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप मेरे को रेफरेंस दे दो अपने किसी काम का या क्लाइंट का, मैं उससे ये बोलूँगा आपको बताओ कि किस शहर में क्लाइंट चाहिए, उस शहर में उस क्लाइंट का मैं फ़ोन नंबर दूंगा, जिससे कि लोग पता लग जाएगा उन्हें कि उन्होंने मेरे से डील किया नहीं किया, जो भी कुछ है। Every client is not perfect, but at least they have something to fall back upon. So, मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कह रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। जहाँ तक ये पेपर की जो आपका जो क्वेश्चन था पेपर के बारे में, ये पेपर नकली है। अच्छा बताएं फिर आप। अभी सर क्या करें, वो तो फट भाई है, वही जानना चाहते हैं मैंने तो आपको कि बता दिया क्या करें, आपको करना है तो आपको ही पड़ेगा। मैं बता चुका जी हूँ आपको क्या सर। करना है। यस सर ठीक है, आप इनसे पूछ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आप इनको जो रिकॉर्ड हो गई है, जो इनको आप उनको फॉरवर्ड कर दें, दोस्तों को भेज दें, या उनको आप उनको कंपनी को ही भेज दें, वो उन्हें खुद ही मालूम, जब वो मेरा नाम देखेंगे तभी उनके कान खड़े हो जाएंगे। ओके सर ठीक है सर, थैंक ठीक यू, ठीक है जी, थैंक यू वेरी बस मच, जी थैंक यू, सर टेक थैंक यू केयर, सो टेक मच, केयर, बाय। थैंक यू सो मच।